हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है पारा। पारा को यानी कि HG को क्विक सिल्वर कहा जाता है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो करेक्ट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू ने। ये प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो करेक्ट आंसर है गेहूं। कमेंट करके बताइए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। गांधार शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो भारत और यूनानी शैली का मिश्रण है गांधार शैली। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कौन सी संस्थान करती है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट, ये करती है विश्व पुस्तक मेले का आयोजन। भारत का सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो करेक्ट आंसर चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के सबसे बड़े संत माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। फेरा की जगह फेमा का कब अस्तित्व में आया था? तो फेरा की जगह फेमा 1 जून 2000 को अस्तित्व में आया था। किस गुप्त शासक के शासनकाल में सबसे प्रबल हूण आक्रमण हुए? तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में सबसे प्रबल हूण आक्रमण हुए थे। मुस्लिम हल के लिए मक्का कब जाते हैं? तो ईद उल जुहा में जाते हैं मुस्लिम हज के लिए। हज के लिए मुस्लिम ईद उल जुहा में मक्का। प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा जापान में गिराया गया था। संविधान के प्रारूप पर कब प्रथम वाचन हुआ? 15 नवंबर 1948 को संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन हुआ था। लोशन बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जिंक सल्फेट का प्रयोग लोशन बनाने के लिए किया जाता है। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ब्लाइंड लीड्स दी ब्लाइंड, इट इज़ दी डेमोक्रेटिक वे, ये किसका कथन है? हेनरी मिलर का। लोहा के कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। लोहा के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स। सब प्रत्येक के लिए है और प्रत्येक सबके लिए है, यह किस नीति का सिद्धांत है? सहकारिता का। सिगफोस आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो ये असम में हुआ था 1830 ईस्वी में। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान और न ही बाइबल, यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो वो है बर्बरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो है बर्बरी। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। द्वितीय परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला तो हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम भी पूछ सकता है आपसे, तो फैटमैन नाम याद रखना है आपको। ये प्लूटोनियम वाला बम था, ठीक है, और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो यूरेनियम का बम था। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? नायक विद्रोह बंगाल में हुआ था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? तो जर्मन भाषा में दिया था जय हिंद का नारा। तातीपाका रिफाइनरी किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफाइनरी से संबंधित। तातीपाका रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। गुलाबों नहीं होगा, यह गुलामों होगा, गुलामों का युद्ध इंग्लैंड में। ग्रीन GNP का मूल्यांकन कितने वर्षों के पश्चात किया जाता है? 10 वर्ष के बाद। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? तो मैसूर में किया था बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह कबीर की पंक्ति है। तो ये 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।